क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां खत्म होने लगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद माहौल बदल गया। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, स्पीकर और साबिक वजीर आजम ने बड़ा इशारा दे दिया। एक तरफ बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की जानिब है तो दूसरी तरफ पार्टी के बड़े कुछ और ही सियासी लाहे अमल बता रहे हैं। पहले साबिक सदर ने कहा कि नून लीग उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। अब साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने भी बयान दाग दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन के बाद पीपी और नून लीग की मखरूत हुकूमत का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पे मौका मिलना चाहिए, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पे कदगन नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में किसी को दो तिहाई अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है।